तो टाइटैनिक एक ऐसा जहाज रहा है इतिहास में जिसे शायद ही आज कोई ना जानता हो। टाइटैनिक का मतलब होता है बड़ा विशाल, और सचमुच वैसा ही बड़ा और विशाल टाइटैनिक था भी। इस जहाज को उस समय की सभी फैसिलिटी से भरपूर बनाया गया था और इसकी सुंदरता का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता था। इसे बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा किया गया था और एक बड़े उद्घाटन के बाद सन 1912 में इसे उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में पहली बार उतारा गया। अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड से अमेरिका तक पूरी करने के लिए निकल पड़ा। उस समय इस जहाज पर करीब 2224 यात्री भी थे। और यात्रा शुरू करने से पहले एक रिपोर्टर ने पूछा टाइटैनिक के डिजाइनर से कि आपका टाइटैनिक के बारे में क्या कहना है, और उसका जवाब था, मैं इतना जानता हूं कि अगर आकाश से परमेश्वर भी पृथ्वी पर उतर आए तो वो इस जहाज को नहीं डुबा सकता। जी हाँ, उसका कहना था कि मैं इतना जानता हूँ कि अगर आकाश से परमेश्वर भी पृथ्वी पर उतर आए तो वो इस जहाज टाइटैनिक को नहीं डुबा सकता। इतना आत्मविश्वास था उनको अपनी रचना में, क्योंकि वो सोचते थे कि हमारे पास सभी फैसिलिटी हैं और यह जहाज बहुत ही मजबूत है। लेकिन समुद्र में 2-3 दिन यात्रा करने के बाद अचानक ही टाइटैनिक को रेडियो के द्वारा चेतावनी मिलने लगी और उन्हें बताया गया कि आगे बर्फीली चट्टान है और टाइटैनिक को एक बड़ा खतरा है। एक के बाद एक 6 चेतावनियां उन्हें लगातार मिली, लेकिन कप्तान स्मिथ ने सोचा कि यह जहाज तो इतना विशाल है कि इसे कुछ हो ही नहीं सकता और हम इसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन थोड़े समय बाद जहाज बर्फीली चट्टानों से टकरा गया और आगे का हिस्सा धीरे धीरे टूट गया और जहाज में पानी भरने लगा। करीब 2 से 3 घंटों में जहाज पूरी तरीके से पानी में समा गया और बर्फीले पानी का तापमान जो कि 2 डिग्री सेल्सियस था, उसमें कोई भी मनुष्य 10 या 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। और देखते ही देखते ही 1517 लोग उसमें मर गए। और उसी समय मनुष्यों का घमंड, जो कहते थे कि परमेश्वर भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता, उनका घमंड कुछ ही घंटों में ख़त्म हो गया। दोस्तों, आज जब हम चांद पर जाने की बातें करते हैं और मार्स पर जीवन शुरू करने की बातें करते हैं, क्लेम करते हैं कि पूरे अंतरिक्ष पर आज हमारा कब्जा है, आज मनुष्य की वो ताकत कहाँ है? कहाँ है आज मनुष्य जाति का घमंड? कहाँ हैं वे लोग जो परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? टाइटैनिक में उस समय सबसे अमीर लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी अपने आप को नहीं बचा पाया। समय टाइटैनिक के कैप्टन को बहुत सारी चेतावनियां दी गई थी, लेकिन उसे तो लगता था कि परमेश्वर भी उसका कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही आज संसार सोचता था कि हम परमेश्वर के बिना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आज के हालात ने पूरी दुनिया को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है और परमेश्वर की हर बात सच साबित होती जा रही है। हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, प्रेरित पौलुस ने लिखा कि हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं और उसी में हमारा पूरा अस्तित्व पाया जाता है। आज भी समय है कि हम उस रास्ते को छोड़ दें जो विनाश की ओर लेकर जा रहा है, और अपनी सामर्थ्य पर घमंड ना रखें। आज जब आपको चेतावनियां दी जाती हैं बार बार, तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बाद में उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। दोस्तों, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं। आज हमारी दुनिया की स्थिति ने हमें यह सच बात सिखा दी है। और मेरे दोस्तों, आज जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखें कि हम परमेश्वर के द्वारा तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेरित पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। टाइटैनिक बर्फीली चट्टान से टकराया और चूर चूर हो गया और उसका कुछ भी नहीं रहा। यीशु ने कहा, जो मेरे वचनों को सुनता है वह चट्टान पर घर बनाता है और कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उसे कभी नहीं गिरा सकता। इंसानों द्वारा बनाया गया टाइटैनिक टूट गया और लोगों को नाश भी कर दिया, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नूह का जहाज, उसने लोगों को जीवन दिया। और दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्रभु की आशीष है तो एक लकड़ी भी लोहे से मजबूत है, और अगर प्रभु की आशीष नहीं है तो लोहा भी लकड़ी से कमज़ोर है। और यही फ़र्क था नूह के जहाज में और टाइटैनिक में। इसीलिए दोस्तों, अपने आप पर घमंड करना छोड़ दें और प्रभु पर भरोसा रखना शुरू करें। प्रेरित पौलुस ने कहा, जिसे घमंड करना है तो वो प्रभु में घमंड करे और उसी में बढ़े। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम प्रभु में बने रहने के विषय में पूरी पूरी बातें बताते हैं, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे जरूर लाइक करें और दूसरों तक भी इस संदेश को पहुँचाएँ। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों,